अभी हमसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे कितना जीएसटी करता है, फिर हम एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं उसके पीछे कितना टैक्स गवर्नमेंट जीएसटी वैट और उसके अलावा जितने भी और टैक्सेस मिला के कितना सादा पे हमसे चार्ज करता है। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग लाइव ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सादा पे खुद को प्रेजेंट ये करते हैं कि हम सबसे कम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले मोबाइल वॉलेट में सबसे पहले हैं। उससे पहले आपको बताता चलूं कि नया पे ऑलरेडी जो है मैं नया पे के जो कार्ड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वीडियो देख लें कितने पैसों पे कितनी ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स वगैरह हमारा कटता है। तो आज सेम ट्रांजैक्शन जो हमने नया पे पे की थी सेम वही ट्रांजैक्शन हम लोग सादा पे पे भी करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि सेम कितने पैसे नया पे ने काटे और कितने जो है वो सादा पे हमसे काटेगा। तो अभी मेरे पास मोबाइल भी पड़ा है और साथ में मेरे पास लैपटॉप भी यहाँ पर स्क्रीन है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको लाइव यहाँ पे साथ में दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो सके। अभी मेरे पास 362 रुपीज़ मेरे वॉलेट में सादा पे के वॉलेट में पड़े हुए हैं। इससे पहले नया पे की जो हमने ट्रांजेक्शन की थी 209 रुपये पे 119 रुपये हमारा टैक्स कटा था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले देख लें, तो फिर दोबारा इस वीडियो पे और फिर कंपैरिजन आप कर सकते हैं। वैसे कंपैरिजन वाली वीडियो मैं इसके बाद बना भी दूंगा, लेकिन अभी अलग अलग दोनों वीडियो बन रही हैं। तो मास्टर कार्ड मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे मतलब कि वर्चुअल मास्टर कार्ड अवेलेबल है। तो यहाँ पर साथ में मैं तो गूगल की जो मेरी यहाँ पे ड्राइव है उसको भी मैं यहाँ पे जो है वो गेट स्टोरेज करूंगा। उससे पहले आपको मैं ईमेल दिखा दूं जो कि यहाँ पर मुझे 28 अगस्त 2024 को आया, जो कि 10 दिन पहले आया मुझे, मतलब आप जब वीडियो मिलेगी 11 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू टाइड ऑफ आस्किंग योर फ्रेंड दैट नेटफ्लिक्स पासवर्ड एंड वरी अबाउट जो भी है इनका। और साथ में यहाँ पे इन्होंने पैसे जो है मनी स्पेंड जो किया हुआ हमने वो मैंशन किया गया कि 374.78 मतलब 374.78 रुपीज पे आपको कम से कम टैक्स पड़ता है, जो कि कन्वर्टेड डॉलर अमाउंट यहाँ पे बन रही है यूएसडी 1.26 रुपीज़ जो है इस पे पड़ रही है कन्वर्टेड पे। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी जो है वो 20.55 रुपए है, वो तो अभी हमें पता चल जाएगा कितना ये लोग काटेंगे। और यूजर हैड पेड 5.7 टैक्सेस इन चीपेस्ट चार्जेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन पाकिस्तान। अभी ये आपने माइंड में रखना है, अगर ये नहीं होता तो फिर क्लास में नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरा ईमेल की तरफ से मुझे आया था जो कि सितंबर 6 को आया था, फ्राइडे को आया था। और यहाँ पे दोबारा से उन्होंने बोला हुआ है कि विद सादा पे यू गेट लोएस्ट रेट इन पाकिस्तान एंड सेव बिग ऑन योर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो कुछ रिव्यूज वगैरह भी यहाँ पर उन्होंने दिए हैं, तो लेट्स सी के सादा पे जो है हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे हमें कितना देता है। अब हम लोग गूगल ड्राइव पे दोबारा आ गए। अच्छा, ये जो गूगल ड्राइव हमने नया पे पे भी जो है वो सेम ही पैकेज एक्टिव किया था, और आज भी हम लोग सेम पैकेज ही एक्टिव करेंगे ताकि 209 रुपए पे 119 रुपए कटे थे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सादा पे हमसे 209 रुपए पे कितना टैक्स चार्ज करता है। अब यहाँ पे बेसिक्स पे प्लान ही जो कि हमने नया पे वाली वीडियो में भी इनेबल किया था, मतलब लिया था, वही हम सेम यहाँ पे पैकेज लेंगे 209 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो गेट स्टार्टर पे जाते हैं, एग्री करते हैं और यहाँ पे मैं अपना कार्ड वगैरह लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी दो कार्ड लगे हुए हैं, ठीक है, नया पे की जो पेमेंट की हुई थी ऑलरेडी मेरे यहाँ पे लगे हुए। तो एड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड दोबारा जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब सेपरेट कार्ड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कार्ड जो है वो फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ चुका है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर कार्ड एक्टिव है। अब हम जस्ट इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो लेट्स सी कि हमारा कितना टैक्स जो है वो कटता है। तो यहाँ पे अब लाइव ट्रांजैक्शन आपके सामने हो रही है, सब्सक्राइब्ड हो चुका है और मेरे पास यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है कि कितना हमारे पास टैक्स वगैरह कटा है। तो यहाँ से 224 रुपये जस्ट यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन मतलब कि टोटल कॉस्ट पड़ी है। 209 रुपये पे सिर्फ 12.3 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स जो हमारा पड़ा है, और ये आउट क्लास है यार। कुछ तो है जो कि सादा पे ने हमें जो है वो यहाँ पे खुशखबरी दी। इससे पहले नया पे फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस वगैरह हमें 5 होने दी, उसके अलावा फूड पांडा पे कुछ डिस्काउंट वगैरह दिए वो भी यूटिलाइज किए मैंने। यहाँ पे सबसे बड़ा जो धचका नया पे को सादा पे ने दिया है वो यहाँ पर ये दे दिया है। तो यहाँ पे आपके सामने है सिर्फ 224 रुपये मेरे यहाँ पे कटे हैं, ठीक है। 209 रुपये जो मेरी टोटल ट्रांजैक्शन फी थी गूगल ड्राइव को खरीदने की, ठीक है, 209 रुपये। उसके बाद कन्वर्टेड डॉलर अमाउंट जो था वो 212 रुपये हो गया, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी लगा के 12.3 रुपये इंक्लूडेड टैक्स सब कुछ लगा के, ठीक है, अंडरस्टैंड और रेट्स वगैरह अगर किसको समझ नहीं है तो यहाँ पर आके देख सकता है। तो मतलब के कमाल कर दिया सादा पे ने यार। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो मैंने यहाँ पे की है वो आपके सामने की है, सिर्फ 224 रुपये मेरे कटे हैं, मतलब 209 रुपये की तो खाली जो है वो हमारी गूगल ड्राइव की सब्सक्रिप्शन है मंथली, और सिर्फ 12.3 रुपये मतलब 13 रुपये लगा लो, 13 रुपये जो है वो हमारी 209 रुपए की ट्रांजैक्शन पे कटे हैं। जबकि नया पे की बात करें, नया पे ने तो हद ही कर दी है। नया पे ने 209 की ट्रांजैक्शन पे 119 रुपए हमारी जो है वो टैक्स काटा था, जबकि सादा पे 209 रुपए की ट्रांजैक्शन पे जस्ट 12 रुपए मतलब 13 रुपए लगा लो,
की ट्रांजैक्शन उन्होंने कट आउट की है, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कुछ ना कुछ मैं भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब किस तरह से मेरी पेमेंट्स होती रहती हैं, तो दैट्स द रीज़न के मैं थोड़ा बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा है कि पाकिस्तान में यार इतने बिगड़ते हुए हालातों में भी सादा पे ने हमें इतनी अच्छी न्यूज़ दी है। थैंक यू सादा पे, अगर आप इसको मजीद और इनमें चीज़ें एडिशन करें लाइक ATM फ्री विड्रॉल वगैरह भी दें तो कुछ आप मजीद और इन्हेंस हो गए। वैसे नया पे और सादा पे में मैं हमेशा सादा पे को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सादा है और काफ़ी प्रीमियम है, दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हमें कोई इश्यूज़ वगैरह इतने खास फेस करने को नहीं मिलते। जबकि नया पे की बात करें तो नया पे में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कभी वगैरह फेल्ड भी हो जाती हैं, जो फेल्ड होती हैं वो ट्रांजैक्शन के जो अमाउंट है वो भी हमें खुद से पे करनी पड़ती है। अगर 5 ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल फेल हो जाएँ तो उसके बाद फिर आपका कार्ड तो बढ़ जाता है, फिर आप अगर पेमेंट देंगे तो तभी आपका कार्ड दोबारा रीएक्टिव होगा, अदरवाइज कार्ड उड़ जाएगा। इससे पहले मेरे साथ हो चुका है, मेरा जो वर्चुअल कार्ड है वो उड़ चुका है, अब जस्ट मेरे पास एक फिजिकल कार्ड बचा था, वो भी 4 पे था और फिर मैंने उसको पैसे दे के जो है उसे रीसेट किया है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें सारी समझ में आ चुकी होंगी, मजीद वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थी वो आपके सामने है। आप नया पे को भी जाके देख लें, वीडियो में का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, और साथ में सादा पे की तो ऑलरेडी आपने देख चुके हैं, मतलब काफ़ी बेहतर और बेहतरीन एक चीज़ सादा पे ने हमें दे दी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अलॉट ऑफ फ़ायदा ज़रूर होगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये पैसे लगाने का मकसद भी, हालांकि मुझे चाहिए नहीं स्टोरेज, ठीक है, मैं जस्ट आपके लिए ये खर्चा कर रहा हूँ ताकि लाइव आपको परफॉर्म करने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाए कि नया पे वर्सेस सादा पे कितना काट रहे हैं और क्या क्या हमें एडवांटेज हो रहा है। तो ये थी आज ही हमारी वीडियो, उम्मीद है कि बहुत सा सबक आपको इससे मिला होगा और बहुत सा आपकी हेल्प हुई होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।